वहीं बुरहानपुर जिले के शाहपुर में नगर पंचायत के अंतर्गत बनने वाली सड़क में भ्रष्टाचार होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शाहपुर नगर पंचायत द्वारा शाहपुर से गुजरने वाली हाईवे किनारे दोनों साइड से सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन यहां के वार्ड पार्षद मुकेश बुंगाल ने इस रोड निर्माण का विरोध करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही यहां के लोगों का कहना है कि ठेकेदार मनमानी करते हुए घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है। रेत मिट्टी मिली हुई है, जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार की घटिया रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेत में पीली मिट्टी मिक्स है, वहीं डेप्थ भी कम भरी जा रही है। जानकारी के अनुसार इंजीनियर ने भी इस बात को स्वीकारा है कि रोड निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं जब इस संबंध में सीएमओ जेपी गुहा से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि 72 लाख की लागत से रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। सड़क की गुणवत्ता को लेकर उन्होंने कहा कि यह अच्छा कार्य चल रहा है, ठेकेदार द्वारा कोई गड़बड़ी नहीं की जा रही है। इसी क्रम में जब ठेकेदार से चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। रिसेंटली मैंने पाया यहाँ पर जो सैंड है उसमें आधी से ज़्यादा सिल्ट कंटेंट मुझे दिख रहा था, तो इसी कारण मैंने इनको ये कहा कि ये जो DLC है इसमें आप सिल्ट कंटेंट को हटाइए, पूरा रेत को आप चेंज कीजिए। गिट्टी का भी मैंने इनको बोला है कि 20 mm 10 mm प्रॉपरली रखे, तो इनकी रखी हुई है, पर सैंड में मेरे को क्वालिटी फ़र्क समझ में आया। और साथ में इनकी जो DLC की मोटाई है वो भी इनकी कम है, दो इंची मुझे दिख रही है, मुझे 4 इंची चाहिए। नहीं, मैं यहाँ पे अदर पूरे कॉन्ट्रैक्टर को देखते आया हूँ, आदेशों का पालन नहीं करते हैं, बोलो उन्हें नहीं सुनते हैं, है ना। कुछ कुछ जगह होता है कि अच्छे से काम चल रहा है, पर कुछ कुछ जो ऊपर जिनकी पहुँच है तो उनसे अपन काम नहीं करवा सकते। अभी मैंने जहाँ से पता किया कि 3-4 बैग डाल रहे थे, पर जैसे मैं आता हूँ तो वो ज़्यादा बैग डाल देते हैं, तो ये दिक्कत ये होती है ना कि आप ऑन टाइम 24 घंटे से ऊपर भी दिन के लिए नहीं बैठ सकते। जिस टाइम आप जाते हो उस टाइम माल अच्छा डल जाता है, और जिस टाइम आप नहीं रहते हो। टोटल 62 लाख पूरा गुणवत्तापूर्ण बन रहा है। अभी खरवा बिछाया, खरवा बिछाने के बाद रोलर चला, उसका DLC डाली, DLC के बाद भी रोलर चल रहा है, माल में कोई गड़बड़ी नहीं कर रहा, डेप्थ भी सही तरीके से नहीं, नेट डेप्थ पूरी भरा रही है, उसके बाद उस पर रोलर चल रहा है। उसकी 4 इंच तो खरवा था, फिर 4 इंच DLC, तो DLC अभी डाल रहे हैं, और DLC डाल के उसके ऊपर रोलर चला रहा है। हाँ, तो नपती रहती ना, DLC कम डालेगा तो उसको टॉप में ज़्यादा माल भराएगा, जो खराब यदि आता है तो वापस कर दिया जाता है। देखिए, ये जो नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका CMO है, इन्होंने शाहपुर की जनता को बेरोजगार करने का ठान लिया है। अब पीछे भी आप देखेंगे इन्होंने सारी दुकानों को हटा के यहाँ की आधी बेरोजगारी बढ़ा दी थी। इसके बाद अब पिछली बार उस साइट को बनाने में 6 महीने लगे, और इस बार भी इस साइट की पूरी दुकानों के सामने 1.5 फीट का गड्ढा खोद दिया है। अब अगले 3-4 महीने तक ये दुकानदारों के ग्राहक नहीं आएंगे, कोई दुकान पर बैठेगा नहीं। और जो रोड बन रहा है वो भी बहुत ही गुणवत्ताहीन बन रहा है। पीछे 1 महीना पहले जब इसके उस साइड से रोड चल रहा था, 1.5-2 महीने पहले, उस समय भी यहाँ पर इंजीनियर साहब ने ठेकेदार को रोका था। उसमें शायद क्या 12 बोरी एक मशीन में डालने का प्रावधान है, और ठेकेदार 5 या 6 डाल रहा था, और ऐसी अनियमितताओं के साथ रोड बन रहा है। इसके ऊपर किसी की कोई जाँच नहीं है, बस इंजीनियर यहाँ पर आकर बार बार अगर जाँच ना करे तो ये मिट्टी में रोड बना दे।